ओम शांति, ओम शांति। समझ में आया? तन मन धन। और भी सत्य हो, एक उदाहरण और बताता हूं धन के लिए, क्योंकि आपको स्पष्ट होना चाहिए। जैसे देखो, ये दोनों भाई है, दोनों भाई एक साथ बैंक में गए और इस भाई ने बैंक वालों को कहा मेरा 100 रुपया बैंक में रख दो। इस भाई ने भी कहा मेरा 100 रुपया एक साल के लिए बैंक में रख दो। एक साल के बाद दोनों बैंक वाले के पास गए, इसको 100 रुपया दिया, इसको 110 रुपया दिया। क्यों? दोनों ने 100-100 रुपया दिया था, दोनों को 100-100 देना चाहता, इसको 110 दिया और उसको 100 दिया। क्यों दिया? हाँ, समझ। देखो माता जी हुशियार है, देख लो। हाँ, आपके लोग कुछ समझ में नहीं आया, क्या सुनाया? समझ में आया? देखो माता जी ने ध्यान से सुना, इन्होंने एक शब्द बोला, 100 रुपया दिया, एक साल के लिए रखो, तो क्या हो गया? फिक्स डिपॉजिट हो गया। और इन्होंने सिर्फ 100 रुपया दिया, कुछ बोला नहीं, तो सेविंग अकाउंट हो गया, कोई इंटरेस्ट नहीं। कभी आप भंडारे में पैसे डालते हो तब किसके लिए देते हो? बहन जी के लिए? नहीं, बहन जी ने कहा था इसलिए डाल रहे हो, बहन जी देंगी। अगर आपने भंडारे में डालते समय शुभ बाबा, ये आपकी सेवा के लिए है, तो शुभ बाबा ने वादा किया है, बच्चे एक का पदम गुना दूंगा मैं। किस किस कोई सेवा करते हो, कुछ भी करते हो, शुभ बाबा ये आपके लिए है। तब कहते ब्रह्मा भोजन है ना, कौन बना रहा है ब्रह्मा? ब्रह्मा भोजन क्यों? बहन जी खिलाती है, बहन जी भोजन बताओ। ब्रह्मा भोजन कैसे? ब्रह्मा ने बनाया? कैसे बनाया? तो वो सब ज्ञान चाहिए, ये अपने आप नहीं। कैसे हो रहा है? अभी हम भावना में चलते हैं, भावना नहीं, हर चीज की। तब मैं बार बार पूछता हूं, ये आध्यात्मिक ज्ञान नया है, भक्ति नहीं। तो इसके अंदर कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछना।